आर्ट और कल्चर एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू हम अपना कनेक्शन गॉड से जोड़ सकते हैं, यानी परमात्मा से संवाद का भी एक रास्ता है वो हमारे लिए आर्ट और कल्चर होता है। आर्ट और कल्चर से जुड़े एक ऐसे ही शख्स आज हमारे साथ मौजूद हैं, नित्यानंद हल्दीपुर जी, जो मशहूर फ्लूट आर्टिस्ट हैं। साथ ही बता दें कि इन्हें संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड से भी 2010 में सम्मानित किया जा चुका है। उनसे हम थोड़ा सा आर्ट और कल्चर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि उनके लिए म्यूज़िक क्या है, म्यूज़िक से वो क्या समझते हैं और उनका लोगों के लिए क्या मैसेज है। सर, आपका बहुत स्वागत है और हमारा सौभाग्य कि आपसे हमें बात करने का अवसर मिला है। तो मैं सबसे पहले यही पूछूंगी कि फ्लूट जो है वो कहीं ना कहीं हमें उसकी धुन सुनाई देती है, वो हम उसे मुख से बोल के गाते नहीं हैं, तो फ्लूट आपने कब से शुरू किया और कैसे आपका इसमें रुझान हुआ? देखिए, मैंने फ्लूट शुरू किया जब मैं 6 साल का था। मेरे पिताजी पन्नालाल घोष जी के शागिर्द थे। पन्नालाल घोष को हम लोग युग पुरुष कहते हैं क्योंकि उनकी वजह से बांसुरी को यह स्थान मिला तेज पे बजाने का, क्लासिकल म्यूजिक सोलो का। तो इसकी वजह से मैं पिताजी के जो रियाज सुनता था वो अपने आप में उसको एक आत्मसात कर लिया टेक्निक। तो जब पिताजी को पता चला कि मैं अपने आप से बजा रहा हूँ तो मुझे लेके वो पन्ना बाबू के पास गए और वहाँ मेरी तालीम शुरू हो गई। और ऐसे करके बचपन में जब हम कोई भी नई विधा सीखना शुरू करते हैं तो शुरुआती दौर में बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कुछ दिन उस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस चीज़ को लंबे टाइम तक कंटिन्यू करते हैं और फिर उस फील्ड में बहुत आगे चले जाते हैं। तो म्यूज़िक में क्या कुछ आपने अपनी लाइफ में अपनाया जिससे आप फ्लूट से अभी तक जुड़े हैं और आपने उसमें इतनी प्रसिद्धि पाई? देखिए, बीच में मेरा ब्रेक हो गया जबकि अन्ना बाबू की डेथ हो गई। उसके बाद में मैं निश्चिंत रहा कि अभी मुझे खेलना ही है और कुछ करना नहीं है, लेकिन मुझे फिर चिदानंद नगरकर जी के पास भेजा गया। वहाँ से फिर मैं वो भी छोड़ के फिर मैं स्पोर्ट्स में फुल टाइम कर रहा था। लेकिन एक ज़िंदगी में ऐसा हादसा हुआ कि मुझे फेशियल पैरालिसिस हुआ। उस समय मेरा एकदम से निश्चय हो गया कि नहीं, मुझे बांसुरी बजानी ही चाहिए। बांसुरी बजाने के लिए मुझे वो फेशियल पैरालिसिस अभी भी है मतलब, लेकिन वो फूंक नहीं रहती थी, आवाज़ नहीं आती थी। तो प्रयत्न करके करके कैसे भी एक मैंने आवाज़ निकालना एक आ गया। और उसी टाइम मेरे पहले गुरु मतलब अर्लियर गुरु पंडित देवेंद्र मुर्डेश्वर, जो पन्ना बाबू के दामाद थे और प्रमुख शिष्य में थे, उनसे मेरी मुलाकात हो गई वापस। उनको मैं जब बचपन से जानता ही था, लेकिन वापस वो दिल्ली से आगे बम्बई तो वहाँ मुलाकात हो गई। तो मैंने वहाँ वास्तु सीखना शुरू किया और फिर मेरा एक परम भाग्य था कि उसके बाद में मैं गुरु माँ अन्नपूर्णा जी के पास सीखने आया। जब हम संगीत की बात करते हैं तो बहुत लोग डांस करते हैं, कोई म्यूज़िक करते हैं, संगीत में अलग अलग चीज़ें हैं, तो फ्लूट में ऐसा क्या है जो आकर्षण का केंद्र है और क्या आपको लगता है कि इससे हम परमात्मा तक भी पहुंच पाते हैं? यह परमात्मा तक पहुंच ही जाते हैं क्योंकि देखिए, बांसुरी एक ऐसा वाद्य है, आदि वाद्य बोलते हैं उसको, और इसका श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ इंस्ट्रूमेंट है वाद्य। और श्री कृष्ण को महायोगी बोलते हैं। और योग में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? स्पाइन। और स्पाइन के जैसे बाहुएं सीधी होती हैं और जैसे योग का चक्र होते हैं 7 चक्र, हाँ, मूलाधार से लेके सहस्राधार तक 7 चक्र, ऐसे बांसुरी में 7 चक्र होते हैं। और जब ये सहस्राधार जब ओपन होता है तो मुक्ति मिलती है। तो मतलब वो कॉन्सेप्ट जो है कि जो ज्वाइन हो रहे हैं वो लास्ट हो रहे, वहाँ से हम लोग फूंक मारते हैं तो आवाज़ निकलती है और संगीत का निर्माण होता है। तो ये एक संगीत से भी जुड़ा हुआ है, आध्यात्मिक से भी जुड़ा हुआ ऐसा वाद्य है। तो इसलिए
ये लोगों को सुनने में भी अच्छा लगता है उसकी मधुरता आवाज़ के लिए और अपीलिंग भी। अभी जैसे बहुत सारे युवा हैं संगीत के प्रति उनका भी रुझान है, अभी बहुत अलग अलग म्यूज़िक के भी अलग अलग वैरायटी के स्टाइल्स आ रहे हैं, ऐसे यूथ जो फ्लूट में अगर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उन्हें मैक्सिमम कितना टाइम अपने आप को देना पड़ेगा इस विधा को सीखने के लिए? देखिए संगीत के लिए तो ज़िंदगी देनी पड़ती है, ऐसा नहीं है कि हाँ एक दो साल में आप एक्सपर्टाइज हो सकते हैं, मतलब इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख सकते हैं, उसके ऊपर मास्टरी कर सकते हैं, लेकिन संगीत होएगा कि नहीं ये बोल नहीं सकते। संगीत एक अलग चीज़ है और बजाना और ये करना अलग चीज़ है, तो इसके लिए जैसी साधना होती है भगवान की वैसे ही ये संगीत की साधना करनी पड़ती है और इसके लिए बहुत टाइम लगता है। बहुत सुंदर बात आपने बताई कि संगीत जो है उसे हमें ज़िंदगी भर करना पड़ेगा, और हमें भी आपसे बात करके बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे ये नहीं पता था कि बांसुरी में भी 7 चक्र होते हैं, वो भी जानने को मिला। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ मशहूर फ्लूट आर्टिस्ट नित्यानंद हल्दीपुर जी, जिनसे हमने बातचीत की और आर्ट और कल्चर से जुड़े विभिन्न आयामों के बारे में जाना। मुझे आशा है आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। धन्यवाद, नमस्कार।